बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। हमें बॉक्स ए दिया हुआ है, हमें ये बॉक्स गिवन है, इसमें सर्कल्स दिए हैं। हमने यहां से 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन ए बॉक्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें सबसे पहले ये जितने भी टोटल सर्कल्स हैं उनको काउंट करना है। हमारे पास ये टोटल सर्कल जो है 12 हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ शेडेड सर्कल, अब हमें जितने नंबर ऑफ सर्कल टू बी शेडेड, जितने हमने सर्कल जो है शेड करने हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स टू बी शेडेड इज इक्वल टू, हमें 1/2 ऑफ द सर्कल, 1/2 ऑफ द सर्कल शेड करने हैं। सो 1/2 इंटू 12, 2 1 2, 2 6 12। सो हमें कितने सर्कल जो है शेड करने हैं, वो है 6 सर्कल। तो हम इनको शेड करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो 6 सर्कल शेडेड। सेकंड पार्ट इज पार्ट नंबर सेकंड, गिवन ट्राइंगल्स। हमें बॉक्स में ट्राइंगल्स गिवन है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 9। सो टोटल ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 9। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू बी शेडेड, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू बी शेडेड इज इक्वल टू, हमें गिवन है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल। हमने 2/3 टोटल ट्राइंगल को शेड करना है, 2/3 ऑफ 9। टोटल ट्राइंगल 9 से 3 1 3, 3 3 9, सो 3 2 6। हमें कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल शेड करनी है, 6 ट्राइंगल्स जो है हम यहां से शेड कर देंगे। एंड थर्ड पार्ट इज 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन अ बॉक्स। हमने थर्ड पार्ट में 3/5 ऑफ द बॉक्स जो है वो शेड करने हैं। सो गिवन बॉक्स इज दिस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इसमें 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 12 13 14 and 15। सो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास इस बॉक्स में कितने हैं, 15। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 15। सो नंबर ऑफ शेडेड बॉक्सेस, जो भी हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी शेडेड, जितने हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस शेड करने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी शेडेड इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द स्क्वायर बॉक्स। सो 3/5 टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 15, 5 1 5, 5 3 15 9। तो हमें 3 3 9 बॉक्स जो है शेड करने हैं यहां से। सो शेडेड बॉक्सेस टोटल जो हम शेड करेंगे वो है हमारे पास टोटल 9 बॉक्सेस। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फाइव का ए पार्ट और फर्स्ट पार्ट, हमें यहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 ऑफ 24। ऑफ मींस मल्टीप्लाई, 1/2 इनटू 24। सो 2 1 2, 2 2 4, आंसर इज 12। सेकंड पार्ट इज 1/2 ऑफ 46। सो इज इक्वल टू 1/2 इनटू 46, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, आंसर इज 23। सिमिलर सेकंड पार्ट बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट 2/3 ऑफ 18। 18 का हमें 2/3 फाइंड आउट करना है, 2/3 इनटू 18।
3 1 3 3 6 18 2 6 12 answer. Similarly, second part 1.2.3 of 27. So 2.3 into 27. 3 1 3 3 9 27. So answer is 2 9 18. Okay, question number C. C part 3/4 of C का first part 16. तो हम इसको कैसे करेंगे? Multiply करेंगे 3/4 into 16. 4 4 जा 16. 3 4 जा 12 answer. Second part is 3/4 of 36. So is equal to 3/4 into 36. 4 1 जा 4. 4 9 जा 36. 9 3 जा 27 answer. तो डी पार्ट सिमिलर ए बी सी पार्ट की तरह ही है. तो डी पार्ट को सभी स्टूडेंट्स अपने आप ट्राई करेंगे. आगे है क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स का ए पार्ट. इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. हमें जो गिवन है इसको मल्टीप्लाई करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो हमारे पास ए पार्ट है 3 into 5 whole 1/5. इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 3 into 5 5 25 25 plus 1 26 upon 5. मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 कैरी 1 एंड 3 2 6 1 78 upon 5. हमारे पास ये क्या जाएगा? देखो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे 78. 5 से करेंगे डिवाइड. 5 1 जा 5. 7 से 2 लेस 5 लेस करेंगे 2. 28. 5 5 जा 25 करी 3. तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गए? 15 whole 3 upon 5. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका. बी पार्ट 5 into 6 whole 3 upon 4. सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 6 4 जा 24 24 plus 3 27 upon 4. मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 7 35 कैरी 3 5 to 10 3 13 upon 4. अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमें 135 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. 4 3 जा 12 1 15 4 3 जा 12 3. हमारे पास 33 whole 3 upon 4 आंसर. इसी तरह से सभी बच्चे अदर पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और ट्यूसडे को हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. Thank you.